चिंता मत करो मास्टर बजाओ छोरो जोरदार ताली और मास्टर नहीं आने कमी चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है। और आज तो प्रधान रो पद है जगदीन पद नहीं रही भी तो अभी भतीज काके रहा तो खड़ो रही तो मैं तो थारा लिए भी दिन भी हाजिर रखा धर्मपाल बात गलत है कि झूठी है। तो भाई बात यूं है ये पद तो आवता जावता रही पद हूं थे बात मत कर जो मैं बिना पद ही थारा जफीड़ बजाने में हाजिर हाँ 24 घंटा रहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सब उधर मन छो अनुमति लू ये भाई प्रधान जी थे ही आजो क्योंकि 18 मास्टर आंगो पर फूल बरसा था और पछे ए मतलब कहीं है और संतोष इनाम भी हाँ। और आज है राज हमेशा हमेशा राज आने नहीं है तुलसी नर का क्या बड़ा तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ी बलवान काबे लूटी गोपिका और बे अर्जुन बे बाण और समय आ तो रसी और समय जाओ तो रसी और समय की नहीं माफ करे लो को नहीं। तो भाई खेल मंत्री ने लार हाजिर कर दे एमएलए तेरो प्रधान तू हमें थारी ट्रिपल इंजन बनोड़ी है पंचायत समिति एमएलए मुख्यमंत्री ए ट्रिपल इंजन और मोदी वाला गिना जना को थारो ट्रिपल इंजन है हमें थे चिना फोड़ो जिना तो और थार कने है मोको लागे जिना लगाओ चोको और लागे तो लगाओ छक्को ओ मोको है थार कने खुली बात घूम थाने और माने तू टोचन कर लई आगे रेल को डब्बो तू मर जाई और बूढ़ो काको तेरो तेरे हाथ टोचन हो जाला और बोलो मारे टोचन होने में कोई दिक्कत नहीं गांव ने विकास रे माने। मैं घणाई लोगों की सिफारिश करूं बाने मैं जानू ही कौन मार्गन केरो ही फोन आवे वो क्या मारो काम करनो मैं तो बानी सकल ही को जानू नहीं भारत माता के मारवाड़ी में बोलो गिंदी में बोलो आज फोन देन दोनों फोन भी दे दो ग्राम पंचायत दंतोर रमान है राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय रहा बहुत ही ऊर्जावान और मजबूत और कर्मठ व्यक्तित्व ने धनी अठेरा प्रधानाचार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विकास जी गजराज हमें विचार करना है कि गजराज नाम की तो मोटो है जगारी मदद करने वास्ते भगवान कृष्ण स्वयं आया मंत्र माथे मस्त शोभा बढ़ाया मार दंतोर व्यापार मंडल रा हमें भाई बच्चों थारा निवेदन हो है मात्र शक्ति और हैंड बार खड़ा बाऊं या आजादी मिली है ने इन्हें 78 साल ही हुआ है आप सोचो ला के कोई 2000-5000 साल हो गया और जगह कोई बूढ़ा बुजुर्ग 78 साल पहले है बाने तसल्ली पूछ लो या डंगरों कपड़ों भी पहन देवता गई ये वास्ते शांति हो ओ दिन मिलो है ओ दिन बहुत दौरों मिलो है ओ दिन बहुत दौरों मिलो है 1000 साल देश गुलाम निर्माण जियो कोई आ सोचे लो या सिर्फ अंग्रेज ही गुलाम करो अंग्रेजों पहले भी गुलाम हो तो मारो निवेदन हो है कि आज रे मंच ने सुशोभित कर रहा मारे व्यापार मंडल रा लाडला अध्यक्ष भाई अनिल बिश्नोई जी और मारे खाजवाड़े री मारी गांव री बिटिया मारे गांव री बीनरी लाडली ममता बीरडा जी प्रधान रा पति
धर्मपाल बीरड़ा जी और पूर्व सरपंच रा लाडला भतीजा गोदावरी देवी जी रा कड़वा साहब गोशाला पूर्व अध्यक्ष समाज सेवी प्रहलाद जी तावणिया नशा मुक्ति रे डायरेक्टर राम राजकुमार जी रामदयाल जी एवं संतोष जी सिवर हम हैंग एक एक रो अगर दाम नहीं ले थारी अनुमति वे तो आप आगे बात कर लेवा कि आज रो दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आजादी रो जश्न है हर भारतीय के लिए आज रो दिन गौरव रो दिन है आज रो दिन हमारे देश में मैं इठेतर हूं आज 77 साल पहले और इठेतर हूं हमें आयो मारो देश अंग्रेजों की गुलामी में आजाद हो 15 अगस्त कह दो इंडिपेंडेंस दिवस कह दो मर्जी अभी नाम पुकार लो लेकिन नाम पुकारते बगैर बा सूरवीरा ने बा योद्धाओं ने नमन करना जरूरी है बा लाखों लोगों ने नमन करना जरूरी है जकारे बल बुतरे ऊपर एक रामेश्वर जेड़े बिश्नोई ने एक अंतिम छोर रहे आदमी रहे पाकिस्तान रहे बॉर्डर रहे करने बैठे आदमी ने एक गरीब घर में जन्म लेने वाला आदमी ने अटे मंच पर बोलने पे हक दियो वो हक कर दियो वो हक दियो झांसी लक्ष्मीबाई सुभाष चंद्र बोस वो हक कर दियो महाराणा प्रताप दियो वो हक कर दियो वो महात्मा गांधी दियो वो हक कर दियो शहीद चंद्रशेखर आजाद दियो वो हक कर दियो गुरु गोविंद सिंह दियो नेना आपने हिस्ट्री पढ़ो इतिहास पढ़ो लोगों ने मजबूर करता गले ऊपर हांडी बांध लो थे जमीन ऊपर थूक नहीं सको कपड़ों नहीं पहन सको गेड़ों नहीं गा सको एरा मैं 78 वर्ष में जमीन मिट गई 78 साल में जमीन रो काल पड़ गयो लोग लड़ रहे 78 वर्ष पहला तो जमीन आपारी होती कौन नहीं जमीन रा लोग मालिक होता संपत्ति रा लोग मालिक होता तो हमें अपन विचार करना पड़ेगी कि ओ दिवस बार बार आवे कठे ओ दिवस पाछो नहीं रुड़ जावे ओ दिवस पाछो जाने रो भी खतरो है देश रे माय हालात बहुत विकट हो रहे हैं ई वास्ते मैं सब लोग मिल और ई रे पर विचार करनो जरूरी है सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुल है इसके गुलिस्तान हमारा ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि हमारा देश कितना महान अनेकता एकताओं से भरा है हमारे देश की संस्कृति भाषा परंपराएं हमें अनोखी पहचान देती है और इस पहचान के लिए हम कितना लंबा संघर्ष किया है अनेकों सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर के हमें स्वतंत्रता दिलाई है उनके साहस बलिदान जिनकी मैं शब्दों में बाया नहीं कर सकता मैं क्या हजारों ऋषि मुनि मैं ऋषि भी बाया नहीं कर सकते भारत देश की विशाल संस्कृति है उनकी वीरता को नमन करते हुए उनकी वीरता को नमन करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि आजादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है आजादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है स्वतंत्रता का मतलब केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है आजादी के साथ हमारे को जिम्मेवारी आती है बच्चा बड़ा हो जाता है तो घर में उसमें जिम्मेवारी नहीं होती है तो आजादी के साथ आप जितने भी बैठे हो सबका देश की आजादी में योगदान है हर 15 अगस्त को हमें फिर याद दिलाता है कि हमारी आत्मनिर्भरता हमारी समानता हमारी स्वतंत्रता निरंतर बना रहेगा प्रयास रहेगा लहू वतन शहीदों के रंग लाया उछल रहा है जमाने के नाम आजादी फिराक गोरखपति इन पंक्तियों के जरिए हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं
जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। सर्वविदित है कि भारत की दासता कैसे और किस प्रकार हुई, उस दासता के मुक्ति के लिए किस प्रकार देश के लाखों नौजवानों ने बलिदान दिया। आजादी हासिल केवल करना एक दो दिन का परिणाम नहीं था। भारत जैसे विशाल देश में अंग्रेजों की दासता रातों रात स्वीकार कर ली, इसके पीछे विदेशी ताकतों का बड़ा खेल था। अब विचार कीजिए कितने अंग्रेज आए थे, पूरे भारत में 2500 अंग्रेज आए थे। जब देश छोड़ के गए उसकी संख्या 2500 थी, और 2500 लोगों ने अपनी बुद्धि से देश को गुलाम बनाए रखा। 2500 लोगों ने, सिर्फ 2500 लोगों ने, बड़ी सोचने की बात है। पानी देना। व्यापार के बहाने कैसे आए, अब एक जगह व्यापारी बैठा है, जैसे मंडी के अंदर कोई बाहर को व्यापारी आवे नहीं, और एक दो महीने में चार महीने में अपनी मीटिंग में शामिल हो जावे, अगली पांच महीना में चौधरी करने लाग जावे, तो मैं भी व्यापार के महीने आया, व्यापार के बहने बहाने आकर के, और यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ की जीवन शैली, उनको सबको बांट लिया और बने ठा आ पड़ गयो। गौर कर लियो, आप सब गौर कर लेना, और विशेषकर बच्चों आप भी गौर कर लेना, आप देश के भविष्य हो, देश आपको देख रहा है। उन्हें यह पता चल गया कि इनके अंदर फूट है, इनके अंदर झंझट है, इनके अंदर नफरत है, इनके अंदर ईर्ष्या है, इनके अंदर एक दूसरे का ऊंच नीच का भेदभाव है। तो आपा अठे आपनो काम आराम चला सका हा, आपा ने ढंग गुलाम बना सका हा, बी चीज रो बे नाजायज फायदो उठायो, और जीवन शैली ने देख कर भाव लिया कि यह राज आसानी से किया जाता है। देश के करोड़े भोले भाले लोगों को सबज बाग दिखाकर आसानी से काबू में लिया जाता है, ऐसा किया। और यह बताना आवश्यक हो जाता है, भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति, भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति वासुको डिगामा, वासुको डिगामा नाम का एक आदमी सबसे पहले भारत आया। जब 1898 में आया, और सही मायने उस दिन उन्होंने अंग्रेजी शासन की पहले दिन नींव रख दी। फिर वो आया, उसने विचार किया, फिर उसके बाद में 1598 में 100 साल बाद में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया, और प्रस्ताव में सीधे व्यापार की कंपनी बनाने का फैसला लिया। हगड़ों पे लिए कंपनी बनाई, बिंगो फैसलो लियो, और भारत के साथ सीधे व्यापार करने की योजना तैयार की। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ दो ही प्रथम और द्वितीय प्रथम ने 15 अगस्त, 15 वर्ष के लिए भारत में, सिर्फ 15 वर्ष के लिए उनको व्यापार करने की अनुमति दी। व्यापार करने की अनुमति 1615 में सर थॉमस रो के द्वारा मुगल बादशाह जहांगीर के व्यापारिक रिश्ते प्राप्त कर सफलता प्राप्त कर ली। भारतीयों के भोलेपन, दया, सहनशीलता, वसुदेव कुटुंब की भावना का नाजायज फायदा उठा करके और आगे बढ़ करके राजनीतिक और भारत की सत्ता को हासिल कर लिया गया। इसमें लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हलजोजी का अहम योगदान रहा। पालसी युद्ध के भीतर घात के बाद बक्सर में अंग्रेजों की भारत पर सत्ता स्थित हो गई, और अंग्रेजों की नीतियों के फलस्वरूप 1857 के देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इनमें नाना, बेगम, हजरत महल, तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंग्रेज कमांडर हुरजों को कहना है कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में से एक मर्द है। वह लॉर्ड कॉलिंग ने भी यही कहा, अगर सिंधिया की क्रांति में शामिल हो जाता है तो फेरिस लंबित हो जाती है, फेरिस लंबी हो जाती है। जैसे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, सांप्रदायिकता, माहौल बिगाड़ने वाले प्रयास, सामाजिक समरसता बिगाड़ने के खिलाफ आवाज उठाने वाले दादा भाई नेहराजी, राजा राम मोहन राय, शशि, सुखदेव, चंद्रशेखर आदि का अहमदान योग रहा।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे युवाओं के नारे लगाए, लोगों को संगठित किया, वही भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में पीढ़ी तैयार की। इसके बाद भी जनवरी 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। महात्मा गांधी 1915 में आए और महात्मा गांधी के आगमन के नेतृत्व संभालने के पश्चात नई ऊर्जा का संस्थान हुआ। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, राष्ट्रव्यापी कई आंदोलन किए, जिसके सहयोग से सवैक्य से आंदोलन के पश्चात अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो 1542 में पारित 1542 में कराओ या मरो का नारा दे करके आंदोलन किया। और उसके फलस्वरूप 1547 में देश आजाद हो गया। प्यारे भाइयों, बहुत दौर आजाद हुआ है, आज हमारे पास टाइम नहीं एक दिन के लिए। अरे भाई, हम उस दिनों को याद करो। हमारे पूर्वज एक सिर्फ रोटी के लिए, एक दाल के लिए, उनके पास कपड़ा नहीं था और पूरे दिन वो रोटी और दाल के लिए काम करते थे। रोटी और दाल के लिए कभी विचार किया? जब हम एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, आजादी की लड़ाई में अब विचार करो, शाहपुरा के मारठ का परिवार था, जवाहर सिंह भाट, केर सिंह भाट, उनको जेल में डाल दिया, प्रताप सिंह भाट को गिरफ्तार कर लिया और उसको कहा कि आपकी माँ आपको याद कर रही है। उसने कहा मेरी माँ मुझे याद कर रही है तो आप चिंता मत करो, लेकिन मैं हजारों करोड़ों देशवासियों के माओं के सुख करने चाहता हूं। उसी प्रकार बीकानेर के अमरचंद सेठिया, अमरचंद जी बांटिया ने अपना पूरा धन आजादी की लड़ाई में दान कर दिया। उसका फल ये मिला उनको कि उनको सरेआम फांसी की सजा दी गई, बिना ऑर्डर, बिना हुकूमत, सीधा उनको फांसी की सजा दे दी गई। आजादी के दीवाने लिखने वाले, मैंने आर्टिकल लिखा है इस तरह, अगर कोई आर्टिकल लिख देता, सागरमल गोपा ने लिखा था, ब्राह्मण थे सागरमल गोपा जैसलमेर के, उनको जिंदा जला दिया गया। आज हम कह रहे आजादी, अरे भाई आजादी कितनी दौरी मिली है, इतिहास को पढ़ो तो सही। और हमारे लोगों को दीवारों में चिना दिया गया, पर आजादी के स्वतंत्रता के प्रमुख दीवानों में अर्जुन लाल सेठी, बाल मुकुंद बिस्सा, सरदार हरलाल सिंह, नाना भाई खाट, भागवती बिश्नोई भीलवाड़ा, जानकी देवी बजाज, रतन देवी शास्त्री, किशोरी देवी जी प्रमुख रहे। इस प्रकार से हमें ये आजादी मिली है, इस आजादी को खोना नहीं है भाई, इस आजादी को जिंदा रखना है। इस आजादी को जिंदा रखने के लिए दो चीज हमें सीखनी पड़ेगी, सत्ता आती रहती है, सत्ता जाती रहती है, लेकिन हमें यह चीज याद रखना है, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। इस नारे को हमें याद रखना। बच्चों को घर में क्या सिखाते हैं? छोटा बच्चा जन्म जाता है, उसको माँ 5-6 महीने का होती है, क्योंकि आजकल एकल परिवार हो गए, माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, फिर वो काम के लालच में उस बच्चे को फोन देती है। आज जो देश के अंदर नशा मुक्ति की और जो ये बच्चों को फोन देने वाली बीमारी है, आप ये माया बैठी है बहुत सारी फोन को अभी भी देख रही है। आज से 10 साल बाद में हर गांव में इस फोन से बीमार होने वाले लोगों के लिए अस्पताल खोलने पड़ेंगे। ये फोन नहीं है, ये अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो ये काम की चीज है। दूसरी बात, अब गुरुजी ने बताई पास्टरों की कमी की। गुरुजी, हमने तो इस स्कूल के लिए मुकदमा झेला है। 2002 में हमारे 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया। जब ये स्कूल 8वीं की थी, मेरे पास में इसकी 200 पन्नों की फाइल है। इसको 10वीं कराने के अंदर भीमसेन चौधरी जी से बड़ी रिक्वेस्ट करके कराई, बहुत बार भी मुश्किल से हुई, ठीक है क्या? अभी धर्मपाल ने अच्छा काम करा दिया। ये गांव की विडंबना, इसकी विडंबना क्यों है कि आज मैं खरी खरी कह दूं,
और खरी कहनी चाहिए। खरी कहने में कोई लाग लपेट नहीं। कोई एक आदमी आवाज उठाता है 50 उसकी टांग खींचते हैं। जितने दिन मैं खाजुड़ा में कृषि मंडी का डायरेक्टर बन के गया, यह शेड बना हुआ है। मैंने 2013 में प्रस्ताव दिया कि शेड को बना दो, व्यापारियों को कहा या दुकानें बना लो। शपथ पत्र दिया, दुकान को नहीं बनाई। वो 2013 को शेड 2020 में बने। मैं एक लेटर लिखता हूं, उसके 20 साल बाद में असुविधा होती है। यह कमी किसकी? खाजुवाड़ा के अंदर भी बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, सारी पार्टी है। लेकिन खाजुवाड़ा विकास की जब बात आती है नहीं, जब खाजुवाड़ा विकास की बात आती है तो वे सारा का सारा एक हो जावे, पूरा का पूरा। अरे मारे भी दंतो और विकास की बात आनी चाहिए, तो आज उन्हें शपथ ले लो। कोई व्यक्ति करे, धर्मपाल कराए, डूंगरराम नायक कराए, संतोष सिंवर कराए, प्रहलाद जी तावणिया कराए, अनिल भादू कराए, ओम प्रकाश कड़वा कराए, कोई अच्छा काम करे, कंधा से कंधा मिला करके उसके साथ में हो जाओ। और आप तो कहो नहीं मास्टर, एक घंटों ताड़ो लगायो नहीं थर्मास्टर पिताजी, आवे कहीं को नहीं। लेकिन उस काम को सामना बड़ा दो रहा है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि भी हमारा सरकारी स्कूल का जो रिजल्ट है, सरकारी स्कूल में सबसे योग्य टीचर होते हैं शिक्षित, उच्च स्तरीय पढ़े लिखे, डिग्रीधारी, हजारों लोगों के कंपटीशन करके फाइट आते हैं। सरकारी स्कूल का रिजल्ट तो सबसे टॉप का होना चाहिए। इसके लिए हमारे जो टीचर साथी बैठे हैं, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। सबसे पहले गुरु जामो जी ने एक वाणी में लिखा है कि पहले क्रिया आप कमाइए और फिर औरों ने फरमाइए। संकल्प लीजिए, जल्दी आइए और सारे कामों को छोड़ करके गहनता से, ईमानदारी से अपने काम को निष्पादन कीजिए। अगला रिजल्ट आपका 101% रहेगा, कोई आपके टीचर की बाधा नहीं आएगी। और गांव में कोई योग्य व्यक्ति है, अगर गांव में कोई उच्च श्रेणी का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, पढ़ाने की काबिलियत रखता है, तो भाई निस्वार्थ भाव से घंटा दो घंटा इनकी मदद करो। अभी आप जिक्र कर रहा था कि हमने इसका वीडियो वायरल किया कलर का, तो बहुत लोग, तो जब एक इच्छा शक्ति थी कलर हुआ, आपने पास में खड़े रह के करवाया, तब वीडियो वायरल किया नहीं? अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं होती तो आप वीडियो वायरल कैसे करते? हर चीज की इच्छा शक्ति चाहिए। मैं 55-60 साल का आदमी हूं, ए मारा भतीजा मखाद में बैठो, मारा डांग कुत्तोड़ को दे जो हमारे अलगा जावे अनेठा है कि वो तो 3 बजे उठती, रात को हो गई कौन ही। मेरे जो साथ रहते हैं ये प्रहलाद जी को पता है, ये कभी कभी सुभाष भादू को पता है। मैं अभी बीकानेर से आया हूं, 3:30 बजे उठा, 3 जगह झंडा रोहण किया, 4th जगह आपके आया हूं, 5 जगह और जाना है। और या नहीं वैसे नहीं, 1 घंटा टाइम दिया है। आपके स्कूल का फर्नीचर का मामला था, सुभाष भादू रात का मेरे पास आ गया, अंकल जी चलो मार फर्नीचर का पैसा उधार रखो। मैंने कितने पैसे चाहिए, गए उनसे बात की, मेरे 11,000 की घोषणा करोड़ी अनगो, मैं थाने 15-20 दिन बाद में पैसा रिटर्न कर दा। मैंने विचार किया कि अपने को तो चंदा दिया हुआ है, देना ही है। मैंने इनको 30,000 रुपये दे दिए। फिर गाड़ी वाले से पूछा तो उन्होंने कहा 2,500 रुपये लेंगे। तो मेरे पास 10 छोरे सो रहे थे पेड़ा जी छत पे। मैंने कहा भाई तुम क्या काम आओगे? मैं खुद गया वहां पे और वो 2,500 रुपये नहीं लगने दिया, इनके 3 बजे गाड़ी लोड करा करके इनको रवाना कर दिया। और वो 8,000 रुपये शेष है, वो 8,000 रुपये वो और 3,000 रुपये आपको और दे दूंगा, 11,000 की आज और घोषणा आपको, वो भी आपको पहले 22,000 दिए थे और वो 8,000 वो भी स्कूल के नामे और 3,000 रुपये दे दो और, ये मेरा 11,000 आज का। और सवाल रहा आपके खेल का, भाई प्रधान प्रतिनिधि राज वो आदमी है और आज है राज, हमेशा हमेशा राज आने नहीं है। तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा,
और समय बड़ी बलवान काबे लूटी गोपिका और बे अर्जुन रे बाण और समय आ तो रसी और समय जाओ तो रसी और समय के नहीं माफ करेला को नहीं तो भाई खेल मंत्री ने लार हाजिर कर दे एमएलए तेरो प्रधान तू हमें थारी ट्रिपल इंजन बनोड़ी है पंचायत समिति एमएलए मुख्यमंत्री ए ट्रिपल इंजन और मोदी वाला विनय जना बहुत थारो ट्रिपल इंजन है हमें थे चिना फोड़ो जिना तो ओ थार गने है मोको लागे जिना लगाओ चोको और लागे तो लगाओ छक्को ओ मोको है थार गने खुली बात घूम थाने और माने तू टोचन कर लई आगी रेल रोड डब्बो तू मर जाई और बूढ़ो काको तेरो तेरे हाथे टोचन हो जाए और बोलो मारे टोचन होने में कोई दिक्कत नहीं गांव के विकास रे माने मैं घनाई लोगों की सिफारिश करूं माने मैं जानू ही कौन मार्गन कह रो फोन आवे वो गए मारो काम कर लो मैं तो बानी शकल ही को जानू नहीं मार्गन फोन आ जाए मारो काम कर दूं कदे बानी याद ही को करो नहीं भी फोन आवे बिन पूछू एक दिन सुभाष भादू जो 200 फाइल है मार्गन है स्कैन करो नहीं 1993 की मिली थाने पानी की इतनी मोटी फाइल मिली 200 पेज की 2012 के अंदर पूरे गांव का बिजली का मैंने काम करा है चक्कों के ढाणियों के मेरे नाम से सेंसर निकली हुई है तो भाई हमने तो कभी ये विचार ही नहीं किया विकास के काम के अंदर भेदभाव करना आज अपन दंतोर गांव रे मां बहुत बड़ा सौभाग्य है बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारी बेंदरी प्रधान बनी है वो मोटो के सौभाग्य है लेकिन ये मौका हाथ में आया एक चौधरी हो बिने हीरा मिल गया हीरा मिल गया नहीं जने अनजने रे मायने पण हीरा ने फेंक दिया तो देवी सिंह जी भाटी आज हूं आपका मंत्री बनाया धर्मपाल तन ने कह रहे हो आप बात वसुंधरा जी की लाल गवर्नमेंट ही भी गवर्नमेंट के मां आपका मंत्री बनाया देना आपका मंत्री बनाया देना पण के साहब थाने टाइम थोड़ो कम मिलियो है 6 महीना मिलियो है ना भाटी साहब कहे हो के काम करने ने खातर तो 4 दिन ही घड़ाई मारे में सरपंच प्रतिनिधि अट बैठा है कहीं बेवकूफ क्या था एक दिन माने दलीप जी करना ने पूछ लियो के थे कहीं कर दो पट्टा कीकर बना दो मैंग में हम चुनाव तो कहीं ढक दे और मारे के बनावा भी कौन है एक खालक हूं 15 दिन चार्ज दराए दे 21 दिन पट्टा देता हूं थाने वो तो काम तो मन करना आवे नहीं तो कहने का तात्पर्य वो है कि बे मारे गांव रे मायने जब मारी काम करने की इच्छा शक्ति हुई और एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय आपको भी एक बात कहना चाहता हूं मैं थे इंडस्ट्रीज लगाने वास्ते जिला उद्योग अधिकारियों थे नहीं मिलो थे तो दंतोर आगे निकलना ही कौन चाहो घरे बैठे कोई नहीं आवेला थे आ विचार करो नहीं माने घरे बैठे चूरक दे दई कोई था ने चूरक दिन देला मैं भुगत को की बात रो आप जिला उद्योग केंद्र मिलो आप रिको मिलो आप ऊपर जा अधिकारियों मिलो जिन अधिकारी थर का नाई ये आए इस व्यापार मंडल को अच्छा करने के लिए यहाँ जो एक लघु उद्योग मंत्रालय छोटा मंत्रालय है ये हमारे मातृ शक्ति बैठी है वो कह रहे कितना भी माल बढ़ाओ हम आपको बाजार उपलब्ध करवाएंगे तो ये मातृशक्ति बैठी कोई दरी बनने वाली है कोई पापड़ बनने वाली है कोई भुजिया बनने वाली है तो इनका माल आप ऊपर इंडस्ट्री जो ये है कि बहुत सारे योद्धा आज मेरे को यहाँ नजर नहीं आ रहे और मेरी बात को आप घर जाके 1 घंटा चिंतन करना एक वक्त था हमारे बीच में मोहन जी चांडक विराजमान थे वो बुढ़े हो गए नहीं आ रहे हैं मोहम्मद दैया हमारे बीच से चला गया बाबा गुलाबगिरी हमारे बीच से चला गया मैं एक एक का नाम गिनाऊंगी 100 लोगों के नाम गिना दूं उन लोगों की पंक्ति में से मुझे कोई ये जो आप जो बैठे हो नहीं ये तो सब आधे से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो हमारे टाइम के आप याद करना मेरी बात को आप ये कोई चीज गांव में मीटिंग होती है आप भैंस मजाक करके 5 मिनट उसको टाल देते हुए कोई तरीका है क्या अगर निर्णय कर लिया तो कर लिया रघु रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई आ मास्टर जी की समस्या है मैं था ने
16 दिन प्रधान जी मेरे हाथ भेज दो सरकार को, तुम्हें पूछ पात्र राजा हमारी गारंटी रही। ठीक है के बिठाओ मेरे हाथ गाड़ी के बाहर, मास्टर को भेजे नहीं, क्यों को भेजे नहीं, काम करना मेरो नाम राजा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन मनुष्यों में मैं राजा हूं, गायों में मैं काम देनु हूं, हाथियों में मैं एरावत हूं। तो भाई आज के ये राजा है। और पियो साहब चिंता मत करो, न तो आपको धन की कमी आने देंगे। और मारो दंतोर गांव है, 1994 में 51 गुंडी यजक हुआ था, जगत गुरु शंकराचार्य जी यहां आए और उदय खिलाड़ी गए घर में रुकिया, जगदीश जी घर के गेट लगुड़ा कौन यहां, बिल्कुल नयो घर हो, गोदावरी जी मांगी सेवा करी, दो बार सरपंच बने गांव या सिर्फ ठोक क्या जाऊंगा। तो इस गांव की वो भूमि है, लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य क्या रहा है, इस गांव का दो बड़ा दुर्भाग्य रहा है। इस गांव का ये आज हमें खाजवाड़ा क्यों जाना पड़ता है, ये हम जैसे लोगों की कमी के कारण जाना पड़ता है। 1995 में ये दंतोर एशिया की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी, खाजवाड़ा इसका वार्ड था, लेकिन इसमें जन्म लेने वाला सरपंच आज तक इस गांव में नहीं बना, इस गांव में पैदा होने वाला, जो जिस मिट्टी में पैदा ही नहीं हुआ उसका लगाव कैसे होगा, जिसने जिस मिट्टी के लिए संघर्ष ही नहीं किया उसका लगाव कैसे होगा। इस बात में बहुत गहराई करने की जरूरत है, पीएचडी करने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है। इस वास्ते मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सब ग्रामवासियों से, आपसरी में मतभेद छोड़ दो, होली दिवाली 15 अगस्त 26 जनवरी एक दूसरे के कंधों कंधों मिलाकर काम करो, और गांव को विकास को कोई काम है भी काम के मायने मजबूती उलाग जो, और अठे स्कूल रे मायने जो हमारे संविधान का निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाओ। जिस जमाने में स्कूल की व्यवस्था नहीं थी उन्होंने 32 डिग्री हासिल की, आजकल के टावरन पटन का थोड़ा नंबर कम आवे जार फांसी खा ले। क्यों ड्रेस ले रहे हो भाई, क्यों ड्रेस ले रहे हो, जिंदगी में ये जिंदगी बहुमूल्य है। इस वास्ते मैं ज्यादा बात न कहते हुए एक बार फिर, मारे आठ बड़ा बड़ा योद्धा बैठा है, संतोष जी सिवल जैसा योद्धा, मारा लाडला भतीज धर्मपाल जड़ा योद्धा, आज अंगो हकड़ंगो टाइम में एक लोग खा गयो, इस वास्ते खा गयो ए मेरा लाडला भतीज है संतोष जी मारा गणित है गणिया रिलीज करी, तो भाई भाई का साड़ा है थोड़ी देर कर लेंगे, मेरे टेम खा के रामेश्वर जी, लेकिन आज मैं पहली माफी मांग ली, मैं आज थर्ड टेम मन दे दो थे। हमारे बीच में डूंगर जी नायक है, ए हनुमान जी जेड़ा योद्धा, विकास जी जेड़ा, पेड़ा जी जेड़ा, अनिल जी जेड़ा, अनिल जी आप पर ओम प्रकाश रे ऊपर घनी मोटी जिम्मेवारी है, थे व्यापार मंडल री मीटिंग करो और जिले के अधिकारियों ने बुलाओ और बने कहो, जो राज का काम करता है नहीं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कोई व्यक्ति मास्टर जी एक दिन मेरे एक अधिकारी से चर्चा हुई, उन्होंने कहा सर आप तो मुझे यार परेशान कर रहे हो, मैंने कहा नहीं भाई आप पहले कहां थे, कि साहब मैं उस जिले में था, कभी फोन किया नहीं किया, हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आप जिस कुर्सी पर सुशोभित हो रहे हो हम उस कुर्सी से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप कुर्सी छोड़ दोगे उस दिन कोई बात करेगा क्या, बताओ भाई, हाँ ना कुर्सी छोड़े मत कोई बात करेंगे, एक गजराज जी रिटायरमेंट हो जे या अठाऊ ट्रांसफर हो जे, पता गजराज जी कितना फोन आया आप रखने, ए हमारे सैनी जी आठे, ये सब बात होती है समय की। ई वास्ते थे जितना भी शिक्षक हो मैं थाने बहुत बहुत बधाई दू, मैं धर्मपाल ने भी बधाई दू,
मैं भाई डूंगर राम नायक ने भी बधाई दू और थारा विशेषकर मास्टर लोगा हूं, थारे में मेरा अनुरोध है एक काम थाने और कहना चाहूं प्रधान जी, थे मेरा लाडला भतीजो तो किन डेम कबीडो बाजी गेंदा आर की ही लो ठीक हो थर काम आजी नहीं ही को तो ले जमीन में घुसिया। लेकिन मास्टर मैं एक बात कहनी चाहूं, कोई गैर साहब अधिकारी ने हटाए दो, मैं तो कहूं उसी अधिकारी से काम कराता सबसे योग्य वो है, हटाने की जरूरत नहीं, ऐसी काबिलियत बढ़ाओ जो फोन करा जिनको पांच बार सोचे के काम तो करना पड़ी, काम होता संबंधों से। इसलिए थारो मेरा विशेष निवेदन है कि आज गजराज जी की पीड़ा जाहिर की पर पीड़ा मन बोलने मजबूर कर दियो, आप इनका सपोर्ट करो। अरे ऐसे डायनेमिक प्रिंसिपल मिलेगा कहां आपको, युवा ऊर्जावान गोविंद सिंह डोटासरा बैठा तो ट्रांसपोर्ट करार किया गोनी ए बूझ ही और बचे प्रिंसिपल हो तुड़ो नहीं ला दे लो, मास्टरों की बहुत कमी है। ई वास्ते मेरा निवेदन है कि आप कंधे से कंधा मिला करके इनकी मदद करो। अब ज्यादा मैं बात करूं अभी इंजन गर्म होने लगे है, ज्यादा बात करूं तो मतलब का ही है कि टाइम ज्यादा हो जी, गर्मी को टाइम है और बहुत सारा हमारा युवा योद्धा बैठा है। अब मैं ई बात रे ऊपर थाने एक बार फिर थे इस विद्यालय का जितो भी स्टाफ हो बाने में व्यक्तिगत तौर के ऊपर गुरु जामा जी महाराज री शब्द वाणी भेंट करूं। पेड़ा जी महाराज ने ले रहे हो थारो तिलक कर स्वागत करने वास्ते थारे ऊपर फूल बरसाने रे खातर, अरे बाप फूलारी लाज राखनी थारो कर्तव्य है। तो मैं अठे जो को मंच ने जो को संभाले है भी आदमियों निवेदन करूं कि इट 18-20 मास थे लेकिन भी शब्द वाणी रे लेना पहले एक चीज धारण कर लियो, गुरु जामो जी गयो पहले क्रिया आप कमाइए और फिर औरों ने फरमाइए। और फिर क्या कहा, जो जो लाज दुनिया की लाज है और तू तू दावो दावे इंगर्त के जो आदमी दुनिया की परवाह करेगा। मैं कोई काम जा रहा हूं और विचार करूं प्रहलाद जी मुझे क्या कहेंगे, मुझे संतोष जी क्या कहेंगे, मुझे मेरा भतीज धर्मपाल क्या कहेगा, भतीज सुभाष राज, राज, राजकुमार क्या कहेगा, तो मैं नीचे जाऊंगा। तो पहले क्रिया आप कमाइए और फिर और उन्हें फरमाइए। सबसे पहले अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करो, अपने कमरे में झाड़ू लगाओ, अपने कमरे में पोचा लगाओ, छोटा बनना सीखो, जितना मोटा बनो बिताई नीचा जाओ और छोटा बनो बिताई ऊंचा जाओ। ई वास्ते एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत थारो मास्टर जी मैंने बुलायो ई रे वास्ते। पर दूजो मास्टर जी प्रधान जी दर हाथे है, पूरे गांव रे हाथे भी है, तो प्रधान जी में मिल और जीती मारे वो ये भी तो धर चफेड़ लगा हुआ थे। चिंता मत करो मास्टर, बजाओ छोरो जोरदार ताली, हर मास्टर नहीं आऊ ना कमी, चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है। और आज तो प्रधान रो पद है, जग दिन पद नहीं रही भी तो अभी भतीज काके रहा था खड़ो रही तो मैं तो थारा लिए भी दिन भी हजार का धर्मपाल बात गलत है कि झूठी है। तो भाई बात यूं है कि पद तो आवता जावता रही, पद होते बाता मत कर जो, मैं बिना पद ही थारा जफीड़ बजाने हाजिर हाँ 24 घंटा रहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सब उधर मंच अनुमति लू ये भाई प्रधान जी थे ही आजो, क्योंकि 18 मास्टर आंगों पर फूल बरसा था और पछे ए मतलब कहीं है और संतोष जो इनाम भी हाथ ही बांटा था। चिंता मत करो कोई बात नहीं, बच्चों का प्रोग्राम है तो ये पहले इनका मास्टरों का सम्मान करके फिर प्रोग्राम इनका चलता रहेगा, मुझे थोड़ा जाना है। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि मास्टर ने एक जिम्मेवारी आज थाने भी प्रधान जी बुलाव देनी है। आप पर्ची मार्गन आई है भाई, समय तो कम है तो मैं माफी चाहू, लेकिन हमें भाई बात यह है कि यार तो एक नेतर मंच पर बोलो पर दूसरे दिन मंच सज्जक ले गयो बुलार के मारी हैंग बात अनके दी रामेश्वर जी मैं कहा के हाँ। तो समय रित भाई अभाव है पर आज करा भी कहीं मास्टर जी, बीजो कहीं काम करा बताओ,
आज तो 15 अगस्त रो दिन है, स्वतंत्रता दिन है, इनाम पर है और मैं तो थारो सम्मान करना चाहूं। थे सम्मान स्वीकार करो तो थारे लिए हाजिरा, और अगर सम्मान स्वीकार नहीं करो तो मैं तो भूल जाऊं हमारा। लेकिन समय की पाबंदी वक्ता रे ऊपर नहीं लागे, समय की पाबंदी बा ऊपर लागे। जो मतलब कही है कि समय रो सदुपयोग नहीं करे, मार तो हर टाइम समय रो में सदुपयोग करा। वास्ते मैं गजराज जी निवेदन करूं कि भाई सुभाष निवेदन करूं, प्रहलाद जी तावणिया हूं कि आप आओ एरा गुरु जनारे ऊपर आरो फूल बरसा एरा बहुत बहुत स्वागत करो, अभिनंदन करो। और दूसरी बात मैं और कह दू, समय रे कमी रे कारण खाजोड़े उपखंड बन गयो, समय रे कमी रे कारण खाजोड़े पंचायत समिति बन गई, समय रे कमी रे कारण खाजोड़े में मजिस्ट्रेट रो कोर्ट बन गयो, समय रे कमी रे कारण खाजोड़े में जयेंद्र ऑफिस बन गयो, समय रे कमी रे कारण खाजोड़े में एक्शन रो ऑफिस बन गयो। अगर मैं गांव रे लिए टाइम देता तो आज मैं बताऊं बात स्थिति नहीं होती। लो आओ भाई थारे मास्टर है कर्मबंद, आ जाओ और थारो सम्मान करवा देवा, आ जाओ। श्रीमान विकास जी गजराज भाई थोड़ा हाथ थोड़ा फिट कर, हाथ आवाज है। श्रीमान सावरवल जी पारिक, रामदास जी श्रीमान, हनुमान राम जी गोदारा,